हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है, खुश आमदीद और वेलकम। और सुनाए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है जहाँ पे भी रहें, शाद रहें, आबाद रहें और खैरियत से रहें। और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग सब एंड तक बने रहिए। आज हम चैलेंज करने वाले हैं 1000 रुपीज़ का चैलेंज। ये देखें, आज के महंगाई के दौर में कराची जैसे शहर में पूरा दिन बाहर टाइम स्पेंड करना है, खाना पीना भी वही होगा, प्लस किसी पार्क में भी घूमेंगे। तो हमारे जहन में एक पार्क है, शायद उसकी फीस, एंट्री फीस कम होगी। तो चलिए चल के देखते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए। और आशिफ की आज छुट्टी है तो आज उसको उठा के लेके जा रहे हैं। वैसे सोया पड़ा हुआ है, बाहर सन एलर्जी भी होती है, आज शायद मौसम अच्छा हो, दुआ कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिएगा कि कैसी वीडियो लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैलेंज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इतने ही पैसों में पूरा हो जाता है चैलेंज, या पैसे बचते हैं या ऊपर लगते हैं। जो भी होगा वो आप लोगों से शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, धूप भी निकली हुई है और हल्की सी फुहार भी आ रही है, ऐसे में दुआ करना चाहिए ना, दुआ कबूल होती है। वैसे भी दुआ हर वक्त ही कबूल होती है, मगर ऐसे में जल्दी कबूल होती है। तो सब दुआ करें, आप हम भी दुआ करते हैं। यहाँ आ गए हम नाश्ता करने के लिए। पराठे पहले, सबसे पहले पराठे खाएंगे। ये आ गया हमारा नाश्ता। भाई भी पराठा कितने का है? 50 रुपीस। और अंडा कितने का है? 50। ओके, ये आ गए हमारे 3 पराठे और अंडा, ये हो गए 200 रुपए। फ्रेंड्स, खा लिया, अब नेक्स्ट दूसरी तरफ चलते हैं। ये अपने पास रखो, कितने बचे हैं अभी? 800 ना? चलो ठीक है। सामने भी सब पानी खड़ा हुआ है, आज भी मौसम इतना अच्छा हो रहा है, आज भी बारिश ना हो जाए। ये देखिए, ये पहले ऊपर मुक्का बना हुआ था, अब ये लियाकत चौक हो गया। अब यहाँ जाएंगे हम। ये पहुंच गए हम बिरयानी चौक, इसको बिरयानी चौक बोलते हैं क्योंकि यहाँ सामने इसका बिरयानी चौक है। ये पहुंच गए हम तालीमी बाग। अब देखते हैं इसकी एंट्री कितने की है, फीस जाके एक्सप्लोर कर देंगे। ये आ गए हम लोग तालीमी बाग। जब बच्चे छोटे थे तब आया करते थे यहाँ पे हम। अब देखो उस वक्त कैसा था और अब कैसा है, क्या सेम है या चेंजिंग हुई है, ये सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। ग्रीनरी भी बहुत प्यारी है, ये देखें, वेलकम टू तालीमी बाग। यहाँ पे कश्ती चलती थी, अब आगे चल के देखते हैं कि कश्ती चल रही है या बंद हो गई है। पानी भी साफ नहीं है, पहले पानी भी बहुत साफ होता था। वो आगे जो पहाड़ के जैसा है वहाँ पे वाटरफॉल हुआ करता था, आज सूखा पड़ा हुआ है। मज़े की बात यह है कि पहले तो टिकट होता था यहाँ पे एंट्री फीस, अब फ्री है, कोई एंट्री फीस नहीं है। अभी तक तो ग्रीनिश ही नज़र आई है, साफ सुथरा है। आगे देखते हैं, कव्वे हैं। धूप नहीं है, मौसम अच्छा हो रहा है,
या आशीर के लिए अच्छा हो गया, वरना सर एलर्जी है इसको। यहाँ पे बंदर हुआ करते थे बहुत सारे, हैं यहाँ पे बंदर? एक ही है, ये बंदरों का केस था, बहुत सारे होते थे, अब सिर्फ एक है और गंदगी भी बहुत है, साफ नहीं रखा है इन लोगों को, सफाई का कोई निजाम ही नहीं है। ये बच्चे आए छेड़ने के लिए बंदर को। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वो वाटरफॉल चलता था, इतना अच्छा लगता था, वो भी बंद कर दिया है इन लोगों ने। यहाँ से कश्ती चलती थी, एक ही कश्ती है, वो भी नहीं चल रही है, रुकी हुई है। ये एक इजाफा किया है मिनी जू का, ये नहीं था पहले जब बच्चे हमारे छोटे थे, काफी साल हो गए हमें यहाँ पे आए हुए, तो ये इसका इजाफा किया हुआ है मिनी जू। चल के देखते हैं इसमें क्या है। लोग खाना पका के पिकनिक पे आए हुए, यहाँ पे स्लाइड है, जू अभी खुला नहीं है। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल का भी मजा ले सकते हैं, मगर अंदर जाने के लिए इसकी टिकट होगी। यहाँ पे फैमिली आना शुरू हो गई है, वो आगे झूले हैं, राइड्स भी अभी स्टार्ट नहीं हुए। ये भी राइड्स है, हम तो जल्दी इसलिए आ गए कि टाइम स्पेंड करना था ना भाई बाहर, तो ये भी राइड्स है। एक वो है, ये घोड़े वाली राइड्स, बचपन में बैठा करते थे इसमें, किस किस को याद आया बचपन। क्या है वहाँ पे? हवा वाला होता है, जंपिंग वाला है। अच्छा जंपिंग वाला है, अभी इसमें हवा नहीं भरी है। ये रॉकेट वाली राइड्स, सारी फैमिलीज अभी बैठ गई है राइड्स स्टार्ट होने के इंतजार में, जब स्टार्ट होंगे तो हम भी आपको बताएंगे। हम भी थोड़ी देर बैठ गए फ्रेंड्स, जब तक ये स्टार्ट नहीं होता तब तक हम भी थोड़ी देर बैठ जाते, फिर उसके बाद सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग पूल में, ये रहा स्विमिंग पूल। यहाँ पे हाउस ऑफ नन भी है, ये देखें चुड़ैल रहती है, चुड़ैल इस हाउस में, ये देखो ऐसे ही भूत बंगला बनाया हुआ है। वफा बराए नमाज, अगर आप लोगों को नमाज पढ़ना है तो जानेमाज ये लेकर आना, यहाँ पे वॉशरूम भी है लेडीज़ का और जेंट्स का, वजू भी बना सकते हैं। अगर जानेमाज नहीं लाए तो घास पे पढ़ लेना, घास भी चुकती नहीं है। ये मिनी जू का डोर खुल गया, अब यहाँ से टिकट लेते हैं। टिकट कितने की है भाई? 60 रुपये की टिकट है। अच्छा हम दोनों की टिकट 120 रुपये की आई है। ये अभी अंदर जा रहे हैं एक्सप्लोर करेंगे।
यहाँ बकरी का बच्चा रखा हुआ है, बच्चा है या बड़ी है ये नहीं पता। और वहाँ पे भी कोई जानवर है, पिकॉक भी है। और यहाँ बत्तख रखे हुए, ये देखें। आखिर यहाँ पे क्या है जो बैठे हुए? मॉनिटर लिज़र्ड। मॉनिटर लिज़र्ड कहाँ पे है? वो रिकॉर्ड में नन्हे मुन्ने के नाम है। हाँ, ग्लास है। हाँ, ग्लास है, कोने में बैठी है। अच्छा, यहाँ पे अजगर है, अजगर ये बैठा हुआ है। ध्यान देखे ऊपर क्या है? उन्हें तो स्नेक चाहिए थे। नहीं है? हाँ है, है। कहाँ है? छोटा सा स्नेक इस कोने पे है। हाँ। एक स्नेक इस मट्टी में लिपटा हुआ है। अच्छा, और ये भी छिपकली है। हाँ। और ये नन्हे मुन्ने से चूहे मेरे दुश्मन। ये वाइट रैट है ना? छोटे छोटे से रैबिट के बच्चे हैं, ये रैबिट इधर है। खूबसूरत हैं बहुत। यहाँ पे कबूतर है, पे एक हिरन रखा हुआ है, ये देख रहा होगा कि कुछ खाने के लिए देंगे। एक ये है गिद्ध, ये रही। यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है? टर्टल। अब देखते हैं टर्टल कहाँ पे है। ये रहा, ये है बड़े बड़े से। ये रहे, ये रहा। एक उधर बैठा हुआ, गंदा हो रहा है, सफेद नहीं है। और एक वो कलर वाला है, जोड़े जोड़े हैं।